आता काय मुद्दे मुख्याधिकारी आणला दिग्रस बचाव मुख्याधिकारी हटा दिग्रस बचाव मुख्याधिकाऱ्याला हकला अरे उभे काय राहता मोर्चा सामील व्हा बाप रे बाप काय मोर्चा आहे दिग्रस बचाव मुख्याधिकारी हटा दिग्रस बचाव मुख्याधिकाऱ्याला हकला अरे उभे काय राहता मोर्चा सामील व्हा मुख्याधिकारी हटा दिग्रस बचाव मुख्याधिकारी हटा मुख्याधिकारी हटा दिग्रस बचाव दिग्रस मुख्याधिकाऱ्याने हटला हो साहेब आदरणीय तहसीलदार साहेब आम्ही दिग्रसकर संघटना की जानिब से पांच आम्ही दिग्रसकर के सदस्य जिनमें सन्माननीय अजिंक्य बात्रे जो कि माजी उप नगर अध्यक्ष है दूसरे केतन रत्न पारकी जो कि माजी नगर सेवक तथा माजी सभापति है एपीएमसी सदस्य है डीपीडीसी सदस्य है तीसरे सन्माननीय भारत भाव महेंद्र पाटिल जो कि राष्ट्रवादी के जिम्मेदार पदाधिकारी है एक अच्छे राजनीतिक बैकग्राउंड वाले परिवार से आते हैं जिनके अपने परिवार ने इसी नगर परिषद में करीब करीब 65 साल राजवट की है उनकी चौथी पीढ़ी आज भी राजकीय क्षेत्र में सक्रिय है उसके बाद हमारे पूनम काका पटेल जो शहर के ज्येष्ठ नागरिक है ज्येष्ठ शिवसैनिक है हमारे सरपरस्त है जिनकी उम्र करीब करीब 75 साल है चौथे हमारे मनोज भाव राठौड़ जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर पदाधिकारी है और बड़े अफसोस की बात है इन पांचों उपोषणकर्ता में से एक हमारे भाई मनोज भाव राठौड़ ये आज यवतमाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती है आईसीयू में उनकी कल उपोषण स्थल से रवानगी यवतमाल मेडिकल कॉलेज में की गई शहर के ग्रामीण अस्पताल के डॉक्टर ने उन्हें वहां जाने की सलाह दी उनकी प्रकृति आज भी चिंताजनक है और उनकी प्रकृति चिंताजनक रहने के बाद उनके पास उनका 7 से 8 साल का बच्चा एक अकेला उनकी देखभाल करने के लिए है मैं उन्हें दिग्रस कर जगके जानिब से सैल्यूट करता हूं और मनोज कौर राठौड़ की पत्नी उनकी मम्मी आज इस मोर्चे में हमारे साथ शामिल है अमित दिग्रसकर के जानिब से मैं माजी नगर सेवक सैयद अकरम इस मोर्चे के जानिब से आपको प्रस्तावना रखूंगा कि अमित दिग्रसकर ने यह मोर्चा आज क्यों निकाला अभी तक करीब करीब 8 से 15 दिन से हम हमारी संवैधानिक शांतिप्रिय लड़ाई लड़ रहे थे सबसे पहले हमारी लड़ाई थी सोमवार के दिन पिछले सोमवार को अमित दिग्रसकर के आह्वान पर तमाम शहर के व्यापारियों ने छोटे छोटे व्यापारी ने और तमाम दुकानदारों ने हमारे आह्वान का सम्मान रखते हुए तमाम दिग्रस बंद किया दिग्रस में इतिहास में नोन की गई दिग्रस के इतिहास में पहली मरतबा दिग्रस शहर इतना कड़कड़ी बंद हुआ मैं उन तमाम व्यापारियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं उनका अभिनंदन करता हूं उसके बाद 13 तारीख को ये 5 लोग अमित दिग्रसकर के आम और उपोषण के लिए हुतात्मा स्मारक चौक में बैठे आज उनका चौथा दिन है मनोज भाव राठौड़ की प्रकृति चिंताजनक है पूनम काका पाटिल सीनियर होने के वजह से उनकी भी प्रकृति चिंताजनक है उसके बाद भरत भाव पाटिल
अजिंक्य राव मात्रे, केतन गौर रत्नपारखी, इनकी भी प्रवृत्ति चिंताजनक है। आज हमने नगर पालिका के खिलाफ एक आक्रोश मोर्चा कहेंगे हम इसे, डिग्रस करके जानिब से यहाँ लाया है। उसकी वजह एक है कि तमाम शहर के व्यापारी, जिम्मेदार लोग, अधिकारी वर्ग, राजकीय वर्ग, सभी पक्षों के, सभी क्षेत्र के हुतात्मा स्मारक चौक में जो उपोषण चल रहा है, हमारे पांच सक्रिय सदस्यों का डिग्रस करके उन्हें विजिट देने आए, उनकी बातें सुनी, उन्हें आश्वस्त किया, उन्हें आश्वासन दिया, उनकी बातों पर विचार करने का उन्हें वादा किया। लेकिन मैं नगर परिषद डिग्रस का निषेध करता हूं। हमारी तानाशाह मुख्य अधिकारी, हमारी हिटलर मुख्य अधिकारी, हमारी अर्थधर्म अधिकारी, ये तो खुद वहां पहुंची नहीं, जबकि सभागृह में वो हमारी अधीनस्थ अधिकारी है, जिसे हम सचिव कहते हैं, वो हमारी पीए है। उनका काम था हमारे नगर सेवक, माजी नगर सेवक, माजी लोक प्रतिनिधि के पास आकर उनकी अपनी मांगे सुन लेनी चाहिए थी। उसके बाद में जो भी कायदेशीर कार्रवाई हो, कोरोना करो या अलग मामला, वो वहां पहुंची नहीं। और उनकी दादागिरी और उनकी हुकुमशाही ये देखिए कि नगर परिषद के जानिब से लोक प्रतिनिधि मंडल, हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी आना भी चाहते थे, लेकिन उनकी दड़पशाही, उनकी दहशतगर्दी इतनी है कि वो हमारे उस अवकोषण के रास्ते से भी नहीं गुजरे। आज हमारे दिलों में आक्रोश है। वो जो पांच लोग आज चार दिन हो गए उपोषण पर बैठे हैं आवरण, उनकी प्रकृति चिंताजनक है, उनके परिवार वाले हमारे साथ है, उनके बच्चों के आंख में आंसू है, उनके बीवी के आंख में आंसू है, उनके मम्मी के आंख में आंसू है, इनके परिवार के आंसू हम लोग देख नहीं पाए। इसलिए आज हो सकता हम लोग पढ़े लिखे हैं, हो सकता हमारे शब्द आज नारे में इधर उधर हुए होंगे, लेकिन आप हमारे शब्दों को नहीं, आप हमारी भावना को देखिए। हमारी भावना ये है कि हमारी मांग क्या है, जो सदोष टैक्स करवा रहे वो वापस ली जाए, उस पर स्टे दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई हो नगर पालिका की, अपील समिति गठित होने के बाद की जाए। हमारी मांग ये है कि जो चक्रवाड़ व्याज नगर पालिका की जानिब से लगाया गया, उस पर स्टे दिया जाए। जो नल कनेक्शन काटे जा रहे हैं, आज मौसम है कौन सा, जहां पानी की टंचाई हो रही, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है, 15-15 दिन में नल आ रहे हैं। और आपकी दादागिरी देखिए, बगैर सूचना दिए आप नल कनेक्शन कट कर रहे हैं, बगैर सूचना दिए किसी ने अगर नल घर का टैक्स नहीं भरा आप घर सील कर रहे हैं। आपकी दादागिरी देखिए, बगैर सूचना दिए अगर किसी दुकानदार ने अगर टैक्स नहीं भरा, भाड़ा नहीं भरा, आप दुकान सील कर रहे हैं। इन सब दादागिरी के खिलाफ आज हमारा आक्रोश मोर्चा है। हमारी मांग संवैधानिक तरीके से ठीक है और इंशाल्लाह रहेंगी। आज दोपहर में आचार संहिता लगने वाली है, केंद्रीय चुनाव आयोग की पत्रकार परिषद है। हम नहीं चाहते कि हमारी संवैधानिक लड़ाई थोड़ा गलत मार्ग से जाए, इसलिए हम लोगों ने तय किए कि आचार संहिता लगने से पहले हम हमारे डिग्रस कर जो हमारे सक्रिय सदस्य है उनको उपोषण छुड़ाएंगे, डिग्रस करके जानिब से छुड़ाएंगे। और हमारी जो लड़ाई है यहाँ पर खत्म नहीं होगी, यहाँ से इंशाल्लाह और ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगी। हम जब तक आचार संहिता है तब तक हम हमारी न्यायालयीन लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी इंशाल्लाह। हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो उनका चर्चा नहीं होता। मैं हमारे सीनियर ज्येष्ठ जो हमारे आंदोलन को लीड कर रहे हैं मकसूद सर, इनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और हमारे आंदोलन के बारे में आप मीडिया के सामने जो भी रूपरेखा है आगे की वो रखें। उपस्थित सर बंधुओं, आपण सर्वांना माहिती आहे की आम्ही दिग्रसकर या संघटनेच्या माध्यमातून त्या नगरपालिकेच्या सदोष कराखाडीच्या विरोधात आपण मागील 20 दिवसापासून सतत लोकशाही मार्गाने या ठिकाणी आपण दिग्रस बंद केला। दिग्रसकरांनी 100% ऐतिहासिक असा बंद पाळून संघटनेला सहकार्य केले। त्यानंतर एक मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं, त्यानंतर आमचे 5 सहकारी त्या ठिकाणी कोठडला बसले आणि आज जिल्हाधिकारी साहेबांच्या परवानगीने निवेदन देण्याच्यासाठी या ठिकाणी एक छोटेखानी मोर्चा आयोजन या ठिकाणी करण्यात आला। काल थानेदार साहेबांनी आम्हाला त्या ठिकाणी बोलवलं आणि विचारणा केली, आम्ही सांगितलं साहेब आम्हाला गावास भेटी धरायचं नाही,
विकास करांनी यापूर्वी तिकडे दोनदा प्रचंड असा प्रतिसाद दिलेला आहे, तसेच मोर्चाने भरपूर अशी साथ दिलेली आहे। म्हणून शनिवारचा दिवस आहे, लोकांचे कारोबार अडथळा येऊ नये म्हणून आम्ही फक्त आमचे जबाबदार लोक पदाधिकारी या लोकांसोबत फक्त दिग्रस्त तहसीलमध्ये जाऊन नियोजन देणार आहोत। साहेबांनी आमची विनंती मान्य केली, आम्हाला परवानगी दिली, त्याबद्दल मी त्यांचा आणि त्यांच्या सहकार्यांचा आभार मानतो। बंधूंनो, या ठिकाणी मागील 50 वर्षामध्ये कधीही एवढी भरमसाठ वाढ झालेली नाही, आज आपल्याला वाढ झालेली दिसून आपण दिग्रस करायच्या भावना आणि होता त्या मोर्चा ज्या विषयाशी संबंधित आहे त्या विषयाचं जे निवेदन आहे प्रशासकीय अधिकारी या नात्याने तहसीलदार साहेबांना देणे होतं। तहसीलदार साहेब किंवा संपूर्ण ही सिस्टीम इलेक्शनच्या कामात गुंतलेली आहे, वेगवेगळे ट्रेनिंग्स आहेत, माझं पोलीस स्टेशनही अर्ध पोलीस स्टेशन ट्रेनिंगला गेलेलं आहे। मोर्चे असल्यामुळे मी थांबलो, माझे अधिकारी आले, परंतु ह्या गोष्टी समजा अतिशय आता काय म्हणतात ना टेम्परेचर वाढलेलं आहे इलेक्शनचं आहे ना, आणि जसजसे जवळजवळ येईल तसतसं हे टेम्परेचर वाढेल, परंतु हे चालतच राहील, ही प्रोसेस चालत राहील, आपले आपल्या या गावाची या परिसराची शांतता भंग होणार नाही, ही काळजी आपण घ्यावी। बोलतानाही बरोबर आहे की आपले वैचारिक मतभेद मनभेद असू शकतात, बरोबर, इलेक्शन झालं की पुन्हा आपल्याला एकमेकाशिवाय आपलं होत नाही, भागतच नाही, बरोबर आहे ना, तर याची काळजी घ्यावी। या कामात मी तुमच्या पाठीशी, मी तुमच्या सोबत आहे। मनोज भाऊ राठौर, वो अभी हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। ये हमारे अजिंक्य भाऊ मात्रे जो उपनगर अध्यक्ष है उनकी मम्मी है, और ये सब उपोषण, ये इनके मनोज भाऊ राठौर की मम्मी है। हमारी आपसे गुजारिश है कि संवैधानिक मार्ग से हम आंदोलन कर रहे हैं, संवैधानिक मार्ग से आपके जो भी अधिकार है वो इस्तेमाल करते हुए मैडम से हमें निजात दिलाए। ते आपण सर्व संविधानाच्या मार्गात जरी करत असा तरी आपल्या काही त्याच्या समन्वय आणि समेट घडून ह्या ज्या गोष्टी करायच्या आहेत प्रशासनाच्या माध्यमातून आणि सर्व आपल्या लोकांच्या माध्यमातून, माझी सर्व प्रशासनाच्या वतीने विनंती आहे, आपण समन्वयाने आणि ताळमेळ करून या गोष्टी आपण केल्या पाहिजे। आता सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक लागलेली आहे आणि लागणार आहे, त्यामध्ये सर्वांनी सहकार्य करा, गृहविभागाला आणि प्रशासनाला कुठलाही आपण घटना घडणं घडता आपण दिग्रस्तरांनी आपलं सर्वांनी सहकार्य करावे। आपला जो निवेदन आहे आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी महोदयापर्यंत हे पोहोचवण्याचं काम सर्वांच्या माध्यमातून केलं जाईल, आणि याच्यामध्ये तडजोड करण्याचा जो प्रयत्न होईल शासना प्रशासनाच्या वतीनं ते प्रयत्न करू। धन्यवाद। मुख्याधिकाऱ्यांची बदली झालीच पाहिजे अशी आमची आग्रहाची विनंती आहे, विनंती आहे, त्याची बदली झाली पाहिजे। म्हटलं ना मी, त्याचं काही नाही, हमें भी पता है सर।